दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली ग्रैनी हाउस का पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट वन और पार्ट टू को देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में हमने देखा था गुल्ली बुल्ली और सोन ग्रैनी के घर में डीलर को ढूंढ रहे होते हैं और बेसमेंट में ग्रैनी गुल्ली और सोन को मारकर बेहोश कर देती है और दूसरी तरफ बुल्ली घर से बाहर निकलने वाला होता है कि उसे वहां पर ग्रैंडपा देख लेती हैं और बुल्ली को पकड़ने उसके पीछे लग जाती हैं। इधर बुल्ली को डीलर मिल जाता है और डीलर ग्रैनी और ग्रैंडपा के बारे में गुल्ली को सारी बात बताने लगता है और तभी ग्रैंडपा बेसमेंट में आ जाती हैं। फिर गुल्ली सोन और डीलर मिलकर ग्रैंडपा की सुताई कर देती हैं और वहां से भागकर ये तीनों मेन दरवाजे के पास आ जाती हैं। लेकिन ग्रैंडपा ने तो पहले ही मेन दरवाजे को लॉक कर दिया है, लेकिन डीलर को इस घर से निकलने का एक और रास्ता पता होता है। इसके बाद गुल्ली और सोन डीलर के पीछे नाले की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी इन तीनों को नाले की तरफ जाते हुए देख लेती है और अब ग्रैनी भी इनके पीछे जाने लगती है। नाले में पहुंचने के बाद डीलर और सोन बात कर रहे होती हैं और ग्रैनी तेजी से इनकी तरफ आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बुल्ली ग्रैंडपा से छुपते छुपाते एक सोफे के नीचे आकर छिप जाता है और ग्रैंडपा भी उसी सोफे की तरफ आ रही होती हैं। और अब आगे की स्टोरी देखती हैं। ग्रैंडपा सोफे की तरफ आते हैं और सोफे पर लेटकर आराम करने लगते हैं। बुल्ली ग्रैंडपा को देखने के लिए सोफे से बाहर झांकता है, मगर ग्रैंडपा बुल्ली को देख लेती हैं और बुल्ली को पकड़ने सोफे के नीचे झांकते हैं। बुल्ली घबराकर ग्रैंडपा को नीचे की ओर खींच लेता है, जिससे ग्रैंडपा का बैलेंस बिगड़ जाता है और ग्रैंडपा सिर के बल नीचे आ गिरती हैं। सिर के बल गिरने से ग्रैंडपा बेहोश हो जाती हैं। बुल्ली तुरंत ही सोफे के नीचे से निकलता है और सीधा ग्रैंडपा के पास आता है। अब बुल्ली को लग रहा है कि गुल्ली और सोन इस घर से बाहर निकल गए हैं, बस वही अकेला इस घर में फंसा है। अब बुल्ली ग्रैंडपा के गले से मेन दरवाजे की चाबी निकाल लेता है और भागते हुए बुल्ली मेन दरवाजे के पास आ जाता है। दरवाजे के पास आते ही बुल्ली सबसे पहले लोहे की जाली को हटाता है। बुल्ली को जल्दी करना होगा, वरना ग्रैंडपा किसी भी वक्त होश में आ सकते हैं। इसके बाद बुल्ली दरवाजे में लगा ताला भी चाबी से खोल देता है। ताला खुलते ही बुल्ली घर से बाहर आ जाता है। बुल्ली देखता है कि उनकी जीप तो वहीं खड़ी हुई है और उसके अंदर भी कोई नहीं बैठा। इसका मतलब गुल्ली और सोन घर के अंदर ही हैं। तभी बुल्ली को ग्रैंडपा की आवाज आती है। I see you. ग्रैंडपा को अपनी तरफ आता देख बुल्ली डरकर वहां से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे आकर छिप जाता है। ग्रैंडपा इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अब ग्रैंडपा ने दरवाजे में ताले की जगह लकड़ी के दो बड़े बड़े पटिये लगा दिए, ताकि गुल्ली सोन और डीलर गलती से भी बाहर ना जा सकें। इधर सोन और डीलर बात कर रहे होते हैं और ग्रैनी तेजी से इनकी तरफ आ रही होती है। आते ही ग्रैनी सबसे पहला हमला डीलर पर करती है, उसके बाद सोन पर हमला करती है। आज ग्रैनी बहुत गुस्से में है, आज वो सबकी पैंट पीली करवा देगी। इसके बाद ग्रैनी गुल्ली को मारने जा रही होती है, लेकिन गुल्ली ग्रैनी से बचकर सीधा नाले में कूद जाता है। इसके बाद डीलर कहता है, घबराने वाली बात नहीं है गुल्ली और सोन, अब ग्रैनी हमारी पेंट पीली नहीं करवा सकती क्योंकि ग्रैनी को पानी से डर लगता है और अब ग्रैनी हमारे पास नहीं आ सकती। वो सब तो ठीक है डीलर, अब हम यहाँ से निकलें कैसे? अगर ग्रैनी को जुगाड़ कर हमारे पास आ गई तो हम सबकी पेंट आगे से गीली और पीछे से पीली दोनों एक साथ करवा देगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आओ जल्दी मेरे पीछे गुल्ली और सोन। फिर ये तीनों नाले से होते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं।
अचानक गुल्ली सोन से कहता है, सोन बुल्ली कहाँ है? अरे हाँ गुल्ली, बुल्ली तो हमारे साथ है ही नहीं। मुझे लगता है कि ग्रैनी ने उसे मार दिया होगा। हमें बुल्ली को बचाने जाना होगा। पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, उसके बाद हम पुलिस की मदद लेकर बुल्ली को यहाँ से निकाल लेंगे। एक काम करो डीलर, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। बाहर निकल कर तुम मदद लेकर ग्रैनी के घर में आ जाना। उसके बाद हम सब ग्रैनी के घर से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद डीलर बाहर की तरफ जाने लगता है। गुल्ली और सोन वापस से ग्रैनी के घर में जाने लगती हैं। Do you want to play hide and seek? I see you. गुल्ली ग्रैनी तो सामने ही खड़ी है, अब हम घर के अंदर जाएंगे कैसे? मेरे पास एक आइडिया है सोन, सुनो। ठीक है गुल्ली, मैं ग्रैनी का ध्यान मेरी तरफ करता हूँ। I see you. Tame tu cosita. Tame tu cosita. Ai. Do you want to play hide and seek? Yahoo! Ai. Tame tu cosita. Tame tu cosita. Tame tu cosita. Tame tu cosita. फिर गुल्ली नाली की गहराई से जाते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। और बड़े बक्सों के पीछे छिप जाता है। गुल्ली मौका देखते ही सोन को भी आने के लिए कहता है। Where are you? सोन भी ग्रैनी से छुपते छुपाते गुल्ली के पास आ जाता है। फिर ये दोनों ग्रैनी से छुपते हुए ऊपर की ओर जाने लगते हैं। Where are you? Do you want to play hide and seek? ग्रैनी के पास आते ही सोन ग्रैनी के पिछवाड़े में जोरदार लात मारता है, जिससे ग्रैनी उल्टे मुंह नाले में आ गिरती है। फिर ये दोनों जल्दी ऊपर की ओर गुल्ली को ढूंढने जाने लगते हैं। इन्हें ग्रैंडपा से भी संभल कर रहना होगा। बेसमेंट से बाहर आने के बाद गुल्ली सोन से कहता है, सोन डीलर को ढूंढने बुल्ली किस तरफ गया था? डीलर को ढूंढने तो बुल्ली ऊपर की ओर गया था। हमें भी ऊपर की ओर चलना चाहिए सोन, शायद बुल्ली हमें वहीं मिल जाए। इधर बुल्ली ग्रैनी के घर में जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसकी टहनियां खिड़की के पास थीं। फिर बुल्ली उस पेड़ पर चढ़ जाता है। और टहनी के सहारे खिड़की के पास पहुंच जाता है। अब बुल्ली को बड़ी सावधानी से काम करना होगा, वरना वो यहाँ से सीधा नीचे गिर जाएगा। फिर बुल्ली खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगता है, मगर खिड़की पेड़ की टहनी से अटक गई है। खिड़की की खटपट की आवाज गुल्ली और सोन सुन लेते हैं। और आवाज का पीछा करते हुए गुल्ली और सोन खिड़की की तरफ आ जाते हैं। देखो गुल्ली, ये हमें छोड़कर यहाँ से निकल रहा है।
मारो इसे। मौज मस्ती करने के बाद बुल्ली कहता है, अभी यहां से निकलो वरना ग्रैनियां आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो बुल्ली, क्योंकि ग्रैनी को हमने ठिकाने लगा दिया है। और ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा को तो हम भूल ही गए गुल्ली। जल्दी निकलो यहां से गुल्ली और सोन। आई सी यू। इधर ग्रैंडपा इन तीनों को देख लेती हैं और इनकी तरफ आने लगती हैं। सोन खिड़की से निकलकर पेड़ पर आ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा गुल्ली पर हमला कर देती हैं, जिससे गुल्ली सोन से टकरा जाता है और सोन पेड़ से सीधा नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर शायद सोन जिंदा नहीं बचा होगा। और इधर ग्रैंडपा बुल्ली पर हमला कर देती हैं। अब क्या बुल्ली इस घर से बाहर निकल पाएगा और सोन जिंदा है या मर गया, ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट। अगर आपका इसमें नाम नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।